हेलो फ्रेंड्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग जानते हैं, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट शुड बी टेकन केयर। यानी कि बहुत सीरियस बीमारी है, हम इसको इग्नोर करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट इट शुड बी टेकन केयर, इट शुड बी एड्रेस्ड एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, आज आपसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है और बहुत ही अनएड्रेस्ड या अनएक्सेप्टेड टॉपिक है। यानी कि इस बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, डिस्कस भी नहीं किया जाता और ये माना भी नहीं जाता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज भी होती है। बट सच मानिए, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है, बहुत होती है और हर लेडी डिलीवरी के बाद इस तरीके की फीलिंग्स या डिप्रेशन जैसी मेंटेलिटी फेस करती है। तो परिवार वालों को, डॉक्टर्स को और बाकी फ्रेंड्स को ये सारी सिचुएशन समझनी चाहिए और लेडी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, जब भी किसी भी लेडी की कोई डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, उसके बाद में जो 5-6 हफ्ते का पीरियड निकलता है बच्चे के साथ और जो लेडी की केयर करने के चक्कर में हमारे इंडिया में या इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो लेडी को कई जगह आइसोलेट कर दिया जाता है, परिवार वालों का आना जाना कम हो जाता है, फ्रेंड सर्कल में आना जाना कम हो जाता है, लेडी वर्किंग होती है घर में, बाइंड अप हो जाती है, बच्चे की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती है, खुद के शरीर में भी काफी सारे उसको चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, उसे लगता है कि वो आउट ऑफ शेप हो गई है, उसका बेली फैट बढ़ गया है और उसकी सुंदरता काफी कम हो गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण मुंह पे या गालों पे कई जगह झाइयां आ जाती है, कलर में स्किन में थोड़ी डार्कनेस आ जाती है और जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ ही बेबी के लिए रात को फीडिंग कराती है तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उसको मेंटल रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें क्लब अप हो के फाइनली कई बार डिप्रेशन के अंदर लैंड अप हो जाती है और लेडी कई बार बहुत असहाय फील करने लग जाती है, कई बार उसमें और भी किसी तरीके की भावनाएं और भी क्रिएट होने लग जाती है, कई बार ये हिस्टीरिया का रूप ले लेती हैं या कई बार हमारे इंडिया में कह भी देते हैं कि इसके माता आ रही है या और कुछ हो गया, मतलब कई तरीके की चीजें उस चीज को लेकर डिस्कस होने लग जाती है। रियलिटी में एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और हमें इस चीज को समझना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए बात करनी चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, अब ये होता क्यों है, क्या कारण है इसका। सबसे बड़ा कारण जो महिला की जीवन शैली के अंदर बदलाव आता है वो ही इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हमारी इंडियन ट्रेडिशंस हैं, दूसरा कुछ हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं जिसके कारण भी डिप्रेशन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, लेडी के ऊपर काफी सारी नई जिम्मेदारियां आ जाती है और यदि वो फर्स्ट टाइम मां बनी है तो उसे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि बेबी होने के बाद में उसको एक्चुअली में क्या फेस करना पड़ेगा और सब कुछ उसके साथ इतना सडनली हो जाता है कि उसे लगता है कि सपोर्ट की कमी हो जाती है या फिर उसे अपने आप को वो थोड़ा वीक महसूस करने लग जाती है, इसके कारण भी डिप्रेशन महसूस होता है। फोर्थ रीजन हो सकता है कि उसे फैमिली का सपोर्ट बराबर ना मिल रहा हो जिसकी वजह से वो बर्डन फील कर रही हो और आइसोलेटेड फील कर रही हो, वो भी एक कारण होता है। और जो सबसे मेजर कारण है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि जब भी डिलीवरी होती है या उसके आसपास के दिनों में लेडी के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन एक आइडेंटिफाइड फैक्टर है, केमिकल है जो कि डिप्रेशन को जन्म देता है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स मेनली क्रिएट होती हैं और फिर उसके एसोसिएशन में आइसोलेशन आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ना आ जाता है, फैमिली सपोर्ट प्रॉपर ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से चलते ये सारी चीजें क्लब अप होके पोस्टपार्टम डिप्रेशन को जन्म देती है। तो जब हम कहते हैं कि बेबी का जन्म हुआ है तो बेबी के जन्म के साथ साथ कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी जन्म हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। और एक बड़ा कारण है कि सन रेज ना मिलना, यानी कि धूप का एक्सपोजर नहीं होना, वो बहुत मेजर कारण मान सकते हैं इसको,
क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी प्रथा है कि लेडी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसका किसी का फैमिली मेंबर का आना जाना मना हो जाता है, उसके हस्बैंड से मिलना उसको मना कर देते हैं, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, घूमने फिरने नहीं दिया जाता है, और सनलाइट तो कई बार उनको देखने को भी नहीं मिलती है, रूम में एरिएशन प्रॉपर नहीं होता है, इसके साथ ही साथ उसका बच्चे का भी केयर उसको पूरा खुद को करना पड़ जाता है, तो सनलाइट की एब्सेंस, आउटर एनवायरमेंट से कनेक्शन खत्म हो जाना भी डिप्रेशन को जन्म देता है। तो ये ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जिनको आगे हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब हम समझेंगे कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि लेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर रही है, या ऐसे कौन से लक्षण आपको दिखे, या आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लेडी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन की तरफ ही अग्रसर हो रही है। यदि लेडी आपको बोलती है कि उसे बहुत अलग लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ आइसोलेटेड सेंटेंसेस वो बोलती है, या वो बार बार रोने लग जाती है, या बार बार वो अपनी बेबी की केयर नहीं कर रही और बेबी की केयर सब कुछ आपके ऊपर डाल दिया है, और आइसोलेटेड हो के वो किसी से बात नहीं कर रही है, और कई बार किसी तरीके का हिस्टेरिकल अटैक भी आ सकता है, बेहोश भी हो सकती है लेडी, और कई बार कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। ये बहुत रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में जब भी कोई पर्सन होता है तो किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर सकता है, बट जनरली वो आइसोलेटेड होगा, इंट्रैक्शंस कम करेगा, बार बार रोने लग जाते हैं, बिंजी ईटिंग होने लग जाती है, इसके साथ ही साथ वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है और कमजोर फील करता है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपका फैमिली पर्सन या जो लेडी है जो आपसे रिलेटिव है या जो भी है, कुछ अलग बिहेव कर रही है जैसा कि वो पहले नहीं थी, अगर कोई बहुत पहले मिलनसार था, बातूनी था, और अब वो बात एकदम से उसने बात करना बंद कर दिया या कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि हो सकता है कि उसे ये प्रॉब्लम चल रही हो डिप्रेशन जैसी, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब आपको ये लग रहा है कि अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से काउंसल करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसकी लेडी की प्रॉपर काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या नहीं है, यदि है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर, और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं वो आप उनको बराबर दीजिए, और उनके जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि उनका आपको घर में क्या क्या करना है वो सारी चीजें फॉलो कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप घर में करेंगे, सबसे पहले लेडी का रूम एकदम ओपन होना चाहिए, एरिएटेड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा हो एकदम बिल्कुल अच्छा सा, जिससे कि उसको अच्छा फील आए, उसे ये ना लगे कि वो एक जापे वाली प्रथा नहीं कर देनी चाहिए कि जापे की लेडी के रूम में जाते स्पेसिफिक से स्मेल आने लग जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। रूम डेली क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छी हवा आएगी और अच्छी धूप आएगी तो डेफिनेटली उसका मन अच्छा रहेगा। हवादार कमरे के साथ ही साथ लेडी को धूप मिलना भी बहुत जरूरी होता है, तो विदाउट फेल डेली बेसिस पे लेडी को धूप में बैठना जरूरी है। जब दिन की अच्छी धूप आ जाती है जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो, बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो, सॉफ्ट धूप होती है 10-11 बजे के आसपास की, अगर गर्मियों के दिन है तो 8-9 बजे वाली धूप भी काफी अच्छी होती है, तो जो सुबह सुबह की अच्छी धूप है वो जरूर माँ को और बेबी को दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि बेबी को प्रॉपर धूप मिलती है तो पीलिया की समस्या नहीं होती है, और माँ को प्रॉपर धूप मिलेगी तो उसका सर्केडियन रिदम बराबर चलेगा, ये हमारे दिमाग की घड़ी है जो धूप के हिसाब से चलती है, क्योंकि हमें सबको पता रहता है कि ऐसा मौसम हो रहा है या सूरज यहाँ है, तो हमें आइडिया होता है कि 3 बजे 4 बजे 7 बजे 5 बजे, तो एक्चुअली में हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सनलाइट के हिसाब से ही चलती है, और आपने ये देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जहां पे सनलाइट नहीं होती वहां डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, जो बर्फ होती है, आइस होती है, जो कि स्नो होती है, वो काफी डिप्रेसिव होती है, वो इसीलिए डिप्रेसिव होती है क्योंकि वहां सनलाइट नहीं होती है, तो सनलाइट बहुत मेजर फैक्टर है, तो विदाउट फेल मदर एंड बेबी को सनलाइट मिलनी ही चाहिए, जैसे दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मिल जाए उतना अच्छा है, बट एक बार तो मिलनी ही चाहिए। तीसरा, लेडी को पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि एक बेबी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर और एक खुद की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे ही किसी लेडी की डिलीवरी होती है, माँ बनती है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता और बॉडी में काफी वीकनेस आ जाती है, तो हमें खाने पीने का सपोर्ट तो देना ही देना है और साथ में उसकी केयर भी करनी है, अच्छा फल फ्रूट है, ताजा सब्जियां है, सूप है, जूस है, ये सारी चीजें हमें उन्हें बराबर देनी होती है, घी देना ही केयर नहीं होती है, नॉर्मल
खाना भी देना होता है। कई जगह ऐसी भी प्रथा होती है कि सिर्फ उबला हुआ दलिया खाना, बिना मिर्च मसाले का खाना देते हैं, नमक बंद कर देते हैं, वो सब हमें नहीं करना है। जो नॉर्मल डाइट है वो ही देनी है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलना भी जरूरी होता है, तो या आप उसके फ्रेंड्स को भी अलाउ कीजिए, उनको आने दीजिए, बात करने दीजिए और उसे अपने फैमिली में प्रॉपर शामिल होने दीजिए। क्योंकि यदि आप उसे आइसोलेटेड रखेंगे तो डेफिनेटली उसको फिर आइसोलेशन की ही फीलिंग्स आएगी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से जो कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स है जो हम हमारे तरफ से ले सकते हैं कि धूप में बिठाना, नीट एंड क्लीन कमरा, हवादार कमरा, धूप और इसके साथ ही डाइट की केयर और इसके साथ ही बच्चे की केयर, उसकी जिम्मेदारियों को कम करना और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रात में सोने के लिए उसको सपोर्ट करना। क्योंकि यदि बच्चे की देखभाल के लिए अगर पूरी रात भर कोई नहीं होगा तो माँ को देखभाल करनी ही होगी, और यदि वो रात भर बच्चे की केयर करेगी तो सोएगी क्या, पर अगर वो सोएगी नहीं तो डेफिनेटली उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा और डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए रात में बच्चे की केयर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक पर्सन और अरेंज करना चाहिए कि जो आधे आधे रात में बच्चे की केयर कर ले, कि थोड़ी देर माँ ने की तो थोड़ी देर कोई दूसरा कर ले ताकि उसको भी प्रॉपर नींद मिल पाए। क्योंकि उसका माँ का सोना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका सर्केडियन रिदम के साथ ही साथ उसका जो स्लीप साइकिल है वो पूरा हो और उसकी वीकनेस दूर हो और उसको स्ट्रेंथ मिल पाए ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की केयर कर पाए। तो एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड और एज अ सोसाइटी हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो काफी कुछ हमारे बिहेवियर से, हमारे रीति रिवाजों से और हमारे ट्रेडिशंस के कारण जन्मा है, उसे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एवरीवन एवरी टाइम। So, यदि आपके घर में भी किसी को लगता है कि ऐसी कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी समस्या हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, हम आपसे बात करेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।